हाय, नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ब्लॉग एक मंदिर ब्लॉग रहने वाला है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुजानपुर जगह से 5 किलोमीटर पहले एक भलेड नामक जगह आती है। उस भलेड नामक जगह की एक पंचायत है, उस पंचायत का नाम है दाड़ला पंचायत। तो दाड़ला पंचायत के सदस्यों ने अपनी पंचायत में एक भव्य भोलेनाथ जी की मूर्ति स्थापित की है और साथ ही भोलेनाथ जी का शिवलिंग और नंदी बैल स्थापित किए हैं। यह बहुत ही अच्छा कार्य किया ग्राम पंचायत दाड़ला के पंचायत सदस्यों ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर आना चाहता है तो वो रात के समय आए। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रात के समय जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी की बौछार होती है और जो पानी है उसमें लाइटिंग भी इन्होंने करी हुई है। तो जब पानी भोलेनाथ जी के ऊपर बरसता है तो साथ में लाइटिंग का भी नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लाइटिंग की हुई है और पानी की बौछार हो रही है। हर एक या 1.5 मिनट के बाद यहाँ पर लाइट चेंज हो रही है। पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, फिर पिंक, हर प्रकार के रंगों की लाइट यहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो अब ब्लू हो गई। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से शिवलिंग को सजाया है और साथ ही यहाँ पर कार्टून के मूर्तियाँ भी लगाई हैं। और साथ ही ये आप देख सकते हैं इन्होंने एक सूर्य चक्र टाइप बनाया है और इस पे लाइटिंग करके मध्य में लिखा है ओम सूर्याय नमः। और ये मेन चीज़ जिसे दिखाने के लिए मैं सुजानपुर आया हूँ, ये है भोलेनाथ जी की भव्य मूर्ति, आदि तू अंत तू शून्य में अनंत तू। तो ये देखिए रात के समय भोलेनाथ जी के गले में रुद्राक्ष की माला भी चमक रही है लाइटिंग से और भोलेनाथ जी का जो तीसरा नेत्र बिंदु है वो भी लाइटिंग से चमक रहा है, मस्तिष्क पे चंदा वो भी चमक रहा है और जो कानों में कांटे डाले हैं उनमें भी लाइटिंग की हुई है और साथ ही यहाँ पर भोलेनाथ जी का त्रिशूल भी लगाया गया है। बहुत ही अच्छा और भव्य मूर्ति शिवलिंग स्थापित किया गया है, मन मोह लिया। और यहाँ भी पानी लगातार बह रहा है लेकिन ये पानी जो बहता है और लाइटिंग जो होती है यह रात के समय ही होती है। अगर आप किसी ने भी इस स्थान पर आना होगा तो रात के समय आए, बहुत ही अच्छा और पीसफुल स्थान है। और इन पंचायत वालों ने मूर्ति के साथ साथ शिवलिंग के साथ साथ और नंदी बैल के साथ साथ यहाँ पर पार्क भी बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग झूला झूल रहे हैं और जो शिवलिंग के ऊपर पानी पड़ रहा है, भोलेनाथ जी की जो मूर्ति है उसके नीचे पानी बह रहा है, वो सारा पानी इस नाली से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टाइल लगाया है कि बीच में से नाली निकालेंगे और जो भी पानी भोलेनाथ जी के इस
बैनर तले आ रहा है वो सारा नाली में जाए और जो शिवलिंग के ऊपर पड़ रहा है वो भी नाली में जाए। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने वहाँ क्लिक किए थे, तो आप इनको भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो शिवलिंग है और भोलेनाथ जी की मूर्ति है वो कितनी सुंदर और अप्रतिम लग रही है। ये मैं अपने बहन और चाचा और चाचे के लड़के के साथ गया था। होप करता हूँ कि आपको यह वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को क्या करना है ये आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय भोले शंकर, जय श्री राम, जय माता दी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भोले शंकर। लेट्स रॉक।